पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अरे आप पहुंच जाएंगे, आप रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर में। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे। ये एक नमूना है कि कितनी अगंभीर है सरकार। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। अरे जया बच्चन कहती है कि सुशांत के समर्थकों ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। मीडिया डिबेट्स एक ऐसा जरिया है जहां से सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल किए जाते हैं, लेकिन आजकल यहां सत्ता से सवाल होते बहुत कम ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा देश की पार्लियामेंट एक दूसरा जरिया है जहां से हमारे चुने हुए नुमाइंदे सरकार से सवाल करते हैं। पर इस बार कोरोना काल के चलते संसद से क्वेश्चन और ही हटा दिया गया है, जिस कारण सरकार की नीतियों पर सवाल करना यहां भी मुश्किल हो गया है। खैर, जो सवाल सत्ता सरकार से मजदूरों के बारे में पूछे भी गए, आप उसका जवाब भी सुनिए क्या मिला। कोरोना के बाद लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर फेक न्यूज के चलते अपने घरों को लौटने पर मजबूर होने लगे। ये हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में जब कोरोना भारत में फैलना शुरू हुआ तब मोदी जी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, अब लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके बाद लाखों की तादाद में मजदूर सड़कों पर उतर आए और अपने घर की ओर पैदल चल दिए। आप पहुंच जाएंगे, आप रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो गया, खा लीजिए आप, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रो क्यों रहे, अच्छा बताइए आप। सुबह बोले लगे चार बजे तुम्हें छोड़ देंगे, सुबह से आधे घंटे बस आ रही है, बस आ रही है, अभी तक बस नहीं आई। घर पे बेटा का तबीयत खराब है, तब सुबह क्या करूँ सर, कुछ सवाल नहीं आ रहा, नहीं छोड़ रहा है। जी है पैदल पैदल चले जाएंगे, चले जाओगे क्या, सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ, क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। कहाँ रहते थे आप? मंडावली दिल्ली में रहते थे। तो आपको देखना चाहिए ना वहाँ कहीं रेन बसेरा वगैरह नहीं है ना, कोई उतवा नहीं, बाहर निकलने पर पुलिस वाले डंडे से मारते हैं, रूम से बाहर निकलो। इसी बीच मजदूरों के मरने की भी खबरें आने लगी। अब जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है तो मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे गए जिसका लिखती रूप में जवाब मिला। विपक्ष ने सवाल में ये पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस दौरान कई मजदूरों की जान चली गई थी और क्या उनके बारे में सरकार के पास कोई डिटेल है। साथ ही सवाल ये भी था कि क्या ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता या मुआवजा दिया गया है। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगावर ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ऐसा कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया गया है और ऐसे में मुआवजे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर अधिक जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में दी और सरकार से कुछ सवाल भी किए। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, न मीडिया का, न डॉक्टरों का, न पुलिस का। कोविड की लड़ाई का वो डेटा है जिसके सहारे सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाना होता है। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। हर बात का डेटा रखने और प्रचार करने वाली सरकार के पास दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का डेटा नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए, एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका
क्या उसके पास ये डेटा भी नहीं होता, पीएम का ट्वीट भी नहीं था। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई, तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई, उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। इसके अलावा कुछ अहम सवाल भी सरकार से पूछे गए जिसका सरकार ने कुछ अलग ही उत्तर दिया। वो क्या सवाल थे इसके बारे में HW न्यूज नेटवर्क पर विनोद दुआ ने अपने शो में डिटेल में बताया। ये एक नमूना है कि कितनी अगंभीर है सरकार। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। उसके अलावा सवाल कुछ जो पूछा जा रहा है, एक एक लाइन, दो दो लाइन का जवाब, उसके बाद खत्म। सवाल ये है कि सरकार का आकलन क्या गलत साबित हुआ या सरकार फेल साबित हुई। जवाब ये मिल रहा है कि पूरे भारत ने सही जवाब दिया है, केंद्र सरकार के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए। सवाल ये था कि क्या आप आकलन में फेल हुए माइग्रेंट लेबर्स को लेकर, जवाब ये दिया जा रहा है जिसका आकलन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये प्रद्युत बोरदोलोई हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, पहले BJP के हुआ करते थे। इनका सवाल ये है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया था, क्या वो वाकई अर्थव्यवस्था में गया है? अगर गया है तो उसकी डिटेल्स हमें दे दी। जवाब ये बता रहे हैं कि इतने का पैकेज सरकार ने अनाउंस कर दिया है, इसके तहत इन इन योजनाओं में इतने पैसे एलोकेट किए गए। सवाल क्या था, जवाब क्या है? जो मीडिया मजदूरों के पलायन के वक्त अपने डिबेट में मुद्दा उठाकर BJP नेताओं से सवाल कर रहा था, अब वह सरकार की इस टिप्पणी पर डिबेट नहीं कर रहा है। देखिए, मैं अभी देख रहा था लल्लू जी की तस्वीरें, देख रहा था लल्लू जी सड़क पे लेटे हुए हैं, तमाम लोग उनके कांग्रेस पार्टी के घेरे हुए हैं। ये क्या यही सब होना था आपको? इसी समय धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक यही करना था? नहीं, सम्मित, सम्मित, बिल्कुल, मैं वो तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी, 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इंपेशेंट क्यों है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, संबित पात्रा तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक, कांग्रेस ने तो बसे प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा, आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। संबित, अगर आप लोगों की मंशा सही है, आप भी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना, आया ना संबित, आपको मोदी जी पे शक है क्या? मजदूरों के पलायन के बाद अर्थव्यवस्था को भी काफी धक्का लगा है, जो फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। हमारे देश की GDP -24% तक आ चुकी है। इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। ये तो वो लोग हैं जो नौकरी करते थे और सैलरी लेते थे। अगर मजदूरों की बात करें तो वह आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब भी हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों में व्यस्त है जिसका आम लोगों की जिंदगी से शायद ही कुछ लेना देना हो। ड्रग सिंडिकेट को लेकर बॉलीवुड में तलवार खिंच गई है। ये तमाम लोग इन तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं और इनकी सिचुएशन बताती है, दे आर लॉस्ट विद कोकीन, ड्रग डिफेंस लीग बना रहे हैं। अरे जया बच्चन कहती है कि सुशांत के समर्थकों ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। क्या वो तब भी यही कहती अगर उनकी जगह उनकी बेटी और सुशांत सिंह राजपूत की जगह अभिषेक बच्चन होते? स्टॉप पॉलिटिक्स ऑन चाइना, चाइना पर स्टॉप पॉलिटिक्स, स्टॉप पॉलिटिक्स। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से आरोप। योगी सरकार ने ताजमहल के निर्माणाधीन म्यूजियम का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर करने का फैसला किया। क्या योगी आदित्यनाथ मुगल कालीन चीजों को गुलामी की मानसिकता का प्रतीक मानते हैं और सबका नाम बदल देंगे? हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया अपनी डिबेट में जनता के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं उनको जगह देगा और सरकार से कुछ असल सवाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।